हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर गज़ल है। मैं लैक्टेशन कंसल्टेंट हूँ। इस वीडियो में हम ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट तीसरे से सातवें दिन पर बहुत सारी माओं को होता है। इसका मतलब कि ब्रेस्ट सूज जाते हैं, कठिन हो जाते हैं, उसमें से मिल्क निकलने की प्रक्रिया बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है और कई बारी माँ को गांठ जैसा फील होता है और उसी कारणवश बुखार भी आ सकती है। यह सिचुएशन आपको तब फेस करनी पड़ेगी जब आपका बेबी सही से ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहा है और ब्रेस्ट ठीक से ड्रेन नहीं हो पा रहे हैं, जिस वजह से बहुत सारा मिल्क छाती में इकट्ठा हो रहा है। इसी परेशानी फेस करने से माय फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बेबी को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहिए। कठिन होने पर ब्रेस्ट को हल्के हाथ से मसाज करें और गर्म पानी के कॉटन क्लॉथ से इसको सेक लें। आप सही ब्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस वजह से आपके ब्रेस्ट को सपोर्ट मिलेगा और काफ़ी हद तक आपका पेन कम हो जाएगा। ब्रेस्ट एंगॉजमेंट एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, लेकिन अगर इस पे ध्यान न दिया जाए तो इसको इन्फेक्शन और एप्सिस में भी बदलने में देर नहीं लगती है। इसीलिए आपको इस पे जल्दी से जल्दी एक्शन लेना है और सही लैचिंग के टेक्निक से बेबी को बार बार फ्रीक्वेंटली फीड करना है। आई होप आपको ये टिप्स पसंद आए। प्लीज़ इसे लाइक करें और अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क ज़रूर करें। थैंक यू।